everybody, good welcome back to your channel Kishore Academy. Last time हम लोग कर रहे थे tenses, जो हमने शुरू कर दिए थे काफी हद तक पूरे हुए थे. हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, टाइम लाइन के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं. उससे पहले एक बार हल्का सा रिविजन हो जाए. हम लोगों ने जितना कवर किया था अल्फाबेट्स वगैरह, अल्फाबेट क्लियर करने के बाद हम लोग पहुंचे थे टाइम लाइन के पास. टाइम लाइन हमने आपको बताई थी कि अगर जिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आप यहाँ प्रेजेंट है, लाइक आप यहाँ पे 2 PM प्रेजेंट है, तो जितने भी यहाँ पे वर्ब्स आएंगे लाइक डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव, ये सब हमेशा आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होगा जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं. फिर हमने फ्यूचर की बात की थी कि फ्यूचर टेंस में वो सब आएगा जो 2:01 का, जो आपको चीजें पता नहीं है, जो चीज आपको पता नहीं है वो फ्यूचर होती है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विल एंड शैल से. फिर हम लोगों ने पास्ट की बात की थी. पास्ट टेंस में 2 बजे से पहले जो हुआ होता है, जो आपको पता होता है, वो पास्ट होता है. या तो वो हैड से डिनोट किया जाता है या वॉज, वर से, अदरवाइज हम उसे डिनोट कर देते डिड या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से. ये हमने कवर किया था. अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं. उससे पहले आपको एक चीज बता दें, 2 वर्ड्स होते हैं. अगर आपको ये वर्ड्स क्लियर है तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती है इंग्लिश में. जैसे कि एक वर्ड है परमानेंट, एक टेम्पोररी. परमानेंट, टेम्पोररी, और इसके बाद आपका आता है स्टेट एंड मैनर. परमानेंट का मतलब होता है जो चीज या कोई काम जो परमानेंट है, वो होता ही होता है या फिर जो बदलता नहीं है, जो चीज परमानेंट उसे परमानेंट कहते हैं. फिर आप क्या आते हैं टेम्पोररी. टेम्पोररी मतलब कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज जो कुछ टाइम चली फिर रुक गई, शायद उसके बाद दोबारा चली गई, चली पता नहीं है, हो सके खत्म ही हो गई वहां पे. उसके बाद आपने बात की स्टेट की. स्टेट बोले तो ये यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं है. स्टेट बोले तो एक ऐसा स्टेट या आपकी अवस्था के बारे में बताता है कि आपकी अवस्था जिस टाइम वो काम कर रहे थे आपकी अवस्था कैसी थी. लाइक हैप्पीनेस एक स्टेट, आप खुश होते हो तो आप हैप्पी होते हो तो वो एक स्टेट होती है. आप दुखी होते हो वो एक स्टेट आपकी अवस्था है कि मैं दुखी की अवस्था में हूं. फिर आपका आता है मैनर, कोई भी काम किस तरीके से किया गया, दैट इज कॉल्ड दैट वर्ड्स मैनर. अब देखो इसको हम कैसे रिलेट करते हैं. हमने पढ़ा था कि एस वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर देते हैं. जब हम इसकी बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की, हमने ये भी किया बात की थी कि हम सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते. तो जब ये टाइम जो बदल रहा है हमारा, क्योंकि हम एक जगह तो रुके नहीं है, या तो हम उस जगह से होके आ चुके हैं, उस जगह पे हैं, उससे आगे जाने वाले हैं, तो हम इन सब चीजों को डिनोट कैसे बताएं, क्या बताएं. तो हमने बात की थी कि वर्ब ये एक ऐसा जो चेंज हो सकता है. तो वर्ब ही एक होती ऐसी चीज है जो चेंज की जा सकती है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है. वैसे वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स. इसे कहा जाता है एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, कोई भी वर्ड अगर कोई एक्शन डिनोट कर रहा है तो उसे हम लोग एक्शन वर्ब वर्ड क्या देते हैं या फिर हम उसे वर्ब बोल देते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा प्ले. क्या आप अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाए बिना ये काम पूरा कर सकते हैं? नहीं, आपको बॉडी पार्ट्स हिलाने ही पड़ेंगे, आपको हाथ हिलाना पड़ेगा अपना. प्ले आप नहीं कर सकते, राइट? तो ये वर्ब है. आपने ईट की बात की, ईट आप खाना नहीं खा, आप बिना हाथ पर हिलाए खाना नहीं खा सकते, सो ये भी एक वर्ब है. खेलना, रन, वॉक, कोई भी ऐसा वर्ड जो वो एक ऐसा एक्शन बताता है जो पूरा नहीं कर सकते विदाउट मूविंग योर बॉडी, दैट इज ऑल वर्ब. वो सारे वर्ब है. इसमें अगर आपको कोई ऐसा वर्ड लग रहा हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा. यहाँ पे आपने एक्शन वर्ड्स की बात कर दी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात की. अब इन सब चीजों को मिला के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, एक वर्ड फॉर्म में आता है. अक्सर ये होता है कि हम जब बच्चों से पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या सब्जेक्ट आपको क्लियर करा दे, कौन सा टॉपिक क्लियर करा दे कि आपको इंग्लिश आ जाए अच्छी तरीके से, वो हमेशा बोलते हैं सर टेंस, कि सर आप हमारे टेंस क्लियर करा दीजिए, बाकी तो हम इंग्लिश के एकदम 30 मार्क्स हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. टेंस के अलावा एक और चीज जो सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स पार्ट ऑफ स्पीच, वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट होती है. हम उसके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम टेंसेस पे मूव करेंगे. इसका रीजन ये कि अगर आपको वर्ब वर्ड्स पहचानने आ गए, अगर आप वर्ड्स पहचान ले रहे हो, तो इसका बहुत इजी सा मतलब है कि आप आराम से सेंटेंस फॉर्मेशन कर लोगे. फिर कैसे करते हैं, लेट्स सी. पार्ट्स ऑफ स्पीच, अपने आप में 8 होते हैं. फर्स्ट नाउन, इनकी प्रोनंसिएशन पे प्लीज ध्यान दीजिएगा. सेकंड
एडजेक्टिव. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी कभी ए और जे के बीच में डी आ जाता है, ये डी साइलेंट हो जाता है, राइट? तो हम इसे कभी एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते हैं एडजेक्टिव. ऐसे मिलता जुलता एक वर्ड है जो हम हमेशा करते हैं, लाइक चलते फिरते किसी ना किसी को बोल ही देते हैं कि भैया थोड़ा सा कर लेना, एडजस्ट नहीं, एडजस्ट हो जाता है. एडजेक्टिव थर्ड पे आप आए, वर्ब फोर्थ, एडवर्ब. इसे वर्ब नहीं पढ़ते, वर्ब पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी कभी आर से पहले वर्ब साउंड आ जाती है तो आर भी साइलेंट हो जाता है वहां पे. सो वर्ब एडवर्ब. नेक्स्ट यू गो प्रीपोजिशन. इसकी प्रोनंसिएशन अक्सर हमारी गलत होती है. सो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन, इसकी सिंपल प्रोनंसिएशन आती है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन क्योंकि ओ की साउंड ओ की तरह ना आके आ की तरह इसकी साउंड आती है, राइट? सो इट्स प्रेपोजिशन नॉट प्रीपोजिशन. प्रेपोजिशन सिक्स के बाद आपका सिक्स आता है कंजंक्शन. रिमेंबर यहां पे एन साउंड देता है, सो इट इज कंजंक्शन ना कि कंजक्शन, राइट? सो इट्स कंजंक्शन. सेवंथ आपका है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन इसमें एन नहीं आता, इसको इंटरजेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये होता है कंजंक्शन. सो कंजंक्शन इंटरजेक्शन. सो हमारे पास हो गए नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन. सो लास्ट वन इज प्रोनाउन. ओके, एक बार जब इसको रिवाइज कर लेते हैं मेरे साथ बोलिए तो आपकी प्रोनंसिएशन भी सुधर जाएगी. Noun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection and pronoun. यही है जिसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है. ओके, अगर आप इसको प्रोनंस सही से नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे कैसे? अगर आप प्रोनंस सही नहीं करते तो स्पेलिंग मिस्टेक होती ही होती है. आपके पेपर में स्पेलिंग टेस्ट भी आते हैं, आपके वो इसलिए गलत होते हैं क्योंकि आप इन्हें गलत बोलते हैं तो लिखते भी गलती है. अब देखिए, इसकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ. डीप एक्सप्लेनेशन या डीप एनालिसिस इसका नाउन चैप्टर में कर लेंगे हम लोग. अब देखिए, नाउन, नाउन को बोला जाता है नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स किसी भी जगह, वस्तु, व्यक्ति या उसके नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा ही नाउन होती है. कई कई बार हम इसकी जगह पे प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, राइट? संज्ञा की जगह, संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए. तो हम देख सकते हैं द वर्ड्स used to avoid the repetition, of noun called pronoun. So इसका repetition रोकने के लिए हम लोग pronoun use कर लिया करते हैं. Adjective ये होते हैं the words which qualifies a noun. हिंदी में विशेषण कहा जाता है, जो विशेषता बताते हैं. लाइक अगर मैं आपसे बोलता हूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो गर्ल नाउन हो गया, उससे पहले जो वर्ड है ब्यूटीफुल, कैसी है, ब्यूटीफुल, वो एक एडजेक्टिव हो गया. चलते वर्ब की तरफ. इसकी हमने बात कर दी, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. एडवर्ब दीज आर द वर्ड्स विच क्वालिफाइज. इसकी डेफिनेशन सबसे मस्त होती है, आई मीन सबसे टिपिकल भी यही मानी जाती है. Qualifies all parts of speech except noun and pronoun. और कमाल की बात तो ये कि अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, कई बार खुद की विशेषता भी बता देता है एडवर्ब. ओके, सो एडवर्ब इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, सिर्फ इन दो की छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन की छोड़ के, क्योंकि उनकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव है. प्रीपोजिशन इन्हें बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स. ज्वाइनिंग वर्ड्स ये अपने आप में वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. हम हमेशा प्रीपोजिशन में कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्ट यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स. एक्चुअली प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स. ये एक वर्ड का दूसरे वर्ड से या तो रिलेशन बताएगा आपको या फिर उनको ज्वाइन करने का तरीका, क्योंकि ज्वाइन कैसे किया जाए. आइदर इट विल टीच यू और टेल यू अबाउट द रिलेशन ऑफ वन वर्ड टू अनदर, या फिर ये आपको बताएगा कि इनका आपस में कैसे कनेक्टेड है. That's, the preposition tells that thing. Now, हम चलते कंजंक्शन पे. कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन भी कुछ ऐसा ही, ये भी रिलेशन बताते हैं,
बट ये रिलेशन किसका बताते हैं, रिलेशन या ज्वाइन करते हैं, ये वर्ड्स को ज्वाइन नहीं करते, ये करते हैं क्लाउजेस को। क्लाउज बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हो सेंटेंसेस, ये तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने के काम में ला जाते हैं कंजंक्शंस। फिर आता आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बड़ा मजे का होता है। अब होता क्या है, देखिए मैं यहां खड़ा हूं, खड़े के लिए अचानक से स्टूडियो की छत गिर गई और आपके आपने देखा लाइव सेशन चल रहा है, एक तरीके से आप समझिए छत हमारे ऊपर गिरी, वीडियो अब तक पहुंचे, आप देखते क्या बोलोगे, वाओ, हाँ वाओ नहीं, क्या बोलोगे, माय गॉड। सो ऐसे वर्ड्स जो आप एकदम से विदाउट थिंकिंग बोल देते हो, दैट ऑल आर इंटरजेक्शन। लाइक फाई, हिंदी में से छींक आ जाता है, फाई, ओएमजी, वो, हुर्रे, ऑल दीज वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं, ये सारे सारे वो वाले वर्ड्स हैं जो आप सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, आपकी एकदम से फीलिंग है, आपने बोल दिया विदाउट थिंकिंग। सो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। देन कम्स प्रोनाउन, वी हैव कवर्ड इट ऑलरेडी। देखो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्यों जरूरी हो जाते हैं, ये इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि आप सेंटेंस से पहचान पाए कि कहां पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमें ऑफलाइन कोचिंग्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको डीप एनालिसिस का करा सकते हैं, जो हम दिल्ली में प्रोवाइड कराते हैं, राइट। प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा पार्ट स्पीच कवर हुआ। जैसे आप पार्ट स्पीच कवर करते हैं उसके बाद आपके लिए चांसेस बहुत इजी हो जाता है। अगर आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है, ये यू वॉन्ट बिलीव कि आज की जनरेशन में तो 6th, 7th, 8th क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच आ गया है। इनकी ग्रामर बुक उठा के देख लीजिएगा, आपको पार्ट ऑफ स्पीच आराम से क्लियर हो जाएंगे। नहीं हुए, वैसे तो मैंने यहाँ पे पूरे कवर कर ही दिए हैं। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट टेंसेस पे। अब टेंस आपके लिए काफी हद तक इजी होने वाले हैं, उसमें होता क्या है, सो वी आर नॉट गोइंग अहेड नाउ, वी आर स्टॉपिंग जस्ट हियर। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, थर्ड पार्ट विल टीच यू अबाउट टेंसेस, राइट। सो पहली वीडियो में हमने सिर्फ बेस बनाया इंग्लिश का, सेकेंड में पार्ट ऑफ स्पीच कवर किया, थर्ड में पूरा टेंसेस आपका एक झटके में क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हैव अ वेरी ग्रेट टाइम, सी यू।